तो भाई साहब देखिए हमें सरदार जी की यहाँ पर दूध भंडार मिल चुका है, केसर वाला यहाँ पर हल्दी का शुद्ध दूध है। भैया क्या बना रहे हैं आज? ये दूध है हल्दी का। अच्छा हाँ, सेहत के लिए बहुत लाभदायक है ये, ठंडी का मेवा समझ लीजिए एक तरफ से। अच्छा हाँ, ठंडी में इसका यूज ज्यादा किया जाता है। तो क्या सोच कर ये यहाँ पर माघ मेले पर आप लगाने लगे हैं? ये सोच के लोगों को कि कम से कम जो आदमी भूखा प्यासा चाय पी के गुजारा कर लेता है, कम से कम 20-25 रुपए में बढ़िया शुद्ध चीज खाए पिए अच्छी तरीका से। हाँ, क्योंकि बाजार में तो 20 रुपए की कॉफी भी मिल जाती है। हाँ, 20 रुपए कॉफी मिल जाती है। केसर वाला दूध है? हाँ, हल्दी केसर है। हल्दी और केसर, इसके कुछ इसकी कुछ विशेषता बताइए। विशेषता ये है कि ये ठंडी में केसर जो है आपके शरीर को गर्माहट देता है, पावर देता है, एनर्जी देता है। हल्दी जो है इसमें जो है इनर्जी बढ़ाता है शरीर की। दूध तो जानते ही है, दूध तो शरीर के लिए खजाना है ही है। अच्छा, तो इसमें कुछ मेवे भी डाल रहे हैं क्या? हाँ, काजू है। अरे भर भर के काजू वगैरह सारा कुछ डाल रहे हैं, तो कैसे 25 रुपए में कैसे मैनेज कर लेते हैं? हाँ, तो 25 रुपए में कुछ मिलता ही नहीं है। हमारी तो कि हम लोगों को अच्छा खिलाते हैं, कम दाम में अच्छा खिलाते हैं। कम दाम में अच्छी चीज खिलाते। तो जो माघ मेला में आ रहे हैं तो ठंडी ठंडी का उनका पूरा प्रोग्राम आपने कर दिया है? हाँ, पूरी व्यवस्था के साथ। तो अच्छा, कितने रुपए का है? 25 रुपए गिलास। 25 रुपए का, तो एक गिलास लगा दीजिए फिर। अच्छा जी, आइए। तो देखिए भाई साहब यहाँ पर अभी लगा रहे हैं केसर वाला दूध गर्मा गर्म, जो देख सकते हैं पूरा धुआं छोड़ रहा है। आप आएंगे तो सी, अरे वाह भाई साहब, इसी तरह आपको मिलेगा बिल्कुल गर्मा गर्म। देख सकते हैं अभी पूरा यहाँ पर फेंट के यहाँ पर बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे। अच्छा, क्या क्या डाल रहे हैं इसमें? है हल्दी है, केसर है। अच्छा, ये शक्कर अभी डाले हुए हैं चीनी मीठा करने के लिए। मीठा करने के लिए तो इसको पूरा अभी ये मिलाया जाएगा चीनी को, जिससे पूरी तरह मिल जाए। हाँ जी, हाँ जी। ये देख सकते हैं भाई साहब, अरे वाह, अरे वाह, मिलाने का तरीका भी नायाब है भैया आपका। जम के मिलाते हैं है? अरे वाह, ये देखिए भाई साहब कैसे मिक्स कर रहे हैं। अरे वाह, केसर वाला दूध पी के तो ठंडी में एकदम आदमी मस्त हो जाएगा। और कहाँ से हैं भैया आप? हम पंजाब से हैं। पंजाब से? हाँ जी। और यहाँ प्रयागराज पर? हाँ जी। अभी और इसमें कुछ डलेगा? हाँ। अरे 25 रुपए में बहुत सारी चीजें हैं। अरे वाह, अरे अभी भी डलेगा। अरे वाह। हाँ। आप ये देख सकते हैं साथियों, ये पूरा हमारा दूध बन के तैयार हो गया है। अभी आपको दिखाते हैं इसका टेस्ट कैसा है। वाह, मतलब टेस्ट की तो भाई बात ही नहीं कर सकते हैं। टेस्ट इनका लाजवाब है और बिल्कुल शक्कर तो डाल ही दिया तो बिल्कुल मीठी है। और केसर दूध पीकर भाई साहब एकदम आप तरोताजगी यहाँ महसूस करेंगे। काफी समय से मैं आ रहा था तो यहाँ ठंडी का माहौल पूरा था, पूरा माघ मेला अभी आपको हमने दिखाया ही है पिछले वीडियो में भी, और पूरा माघ मेले पर का भ्रमण कर रहे थे तो ये देखने को मिला। और यहाँ पर आए तो भाई साहब एकदम तरोताजगी यहाँ पर महसूस हुई है। और गर्मा गर्म दूध पीकर तो आप समझते ही हैं एकदम चाय से बेस्ट है, चाय से ये बेस्ट है, कॉफी से बेस्ट है। तो आइए माघ मेले पर, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और इनका यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। कैसा लगे कमेंट में बताइएगा। तो भैया कब से शुरुआत कर दी है? मैं आज ही से शुरुआत की है। अच्छा, आज ही से शुरुआत हुई है। अच्छा, अभी पहले ग्राहक हैं क्या हम? नहीं नहीं, पहले ग्राहक नहीं है, दो चार बंदे। अच्छा, दो चार बंदे, नहीं तो हम तो पहले बन जाते आज। मिस हो गया। तो भैया पंजाब से डायरेक्ट यहाँ पर शुरू कर दिए? नहीं, हमारा हर साल काम रहता है ये, हर मेले में। हर मेले में आते हैं? हर मेले में। अरे वाह। और ये कुल्हड़ पर पिलाने का क्या तरीका है? ये 25 रुपए है। 25 रुपए? 25 रुपए में कुल्हड़ सही था। एक कुल्हड़ में कितने ग्राम आ रहा है? 200 ग्राम। 200 में चार से नौ रहते हैं। नहीं, शाम को 4 बजे। तो
तो भाई साहब जैसे कोई यहाँ पर आना चाहे तो उसकी लोकेशन क्या रहेगी? उसकी लोकेशन ये है कि पाकड़ चौराया महाराज कचौड़ी के बगल में सरदार जी की। हाँ, ये यहाँ पर बोर्ड देख सकते हैं आप। अच्छा, ये भाई साहब क्या रखा है आपने? ये हमारा कबूतर है। अरे वाह, नायाब कबूतर रखा है आपने। एकदम सफेद है भाई साहब। हाँ। इसको बंद करके आपने रखा है ना? पाला हुआ क्या आपने? पाला हुआ है। छोड़ देंगे तभी ऐसे रहेगा। अच्छा। हाँ। सही बताइए। हाँ, रख दिया है कि दौड़ेगा इधर उधर। हाँ, उड़ तो नहीं जाएगा? उड़ेगा नहीं। उड़ता नहीं है। अच्छा, उड़ने वाला नहीं है। उड़ता नहीं है, उड़े बंद गया है ना इसे जाने। अच्छा, ऐसे ही तो सरदार जी जल्द पूरा जलता ही रहता है लगातार, तो ये कम नहीं हो जाता होगा? नहीं नहीं, ऐसा कैसे मैनेज करते हैं? जलेगा तभी तो थोड़ा गाढ़ापन आएगा। अच्छा। तो क्या कितनी देर तक इसको पकाते हैं? अभी पकता ही रहेगा जब तक खत्म नहीं हो जाएगा, धीरे धीरे अपने यार। तो लास्ट वाले के लिए तो सबसे बढ़िया रहता होगा, लास्ट वाले के लिए तो और गाढ़ा रहता होगा। तो साथियों, अभी हमें राजू कचौड़ी के जस्ट यहाँ से जो गली जाती है बगल से, तो यहाँ पर आ चुके हैं। और ये जो यहाँ पर तारा टी स्टॉल है, यहाँ पर भी आप इनकी चाय ट्राई करिएगा, ये भी अच्छा बनाते हैं। और जो सरदार जी की लोकेशन है, इन्हीं के जस्ट बगल में है। ये दोनों लोगों का प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट है। यहाँ पर आप आ सकते हैं, इनकी चाय भी ट्राई कर सकते हैं। हमने कुल्हड़ चाय इनकी ट्राई की और इनका जो है जो ट्राई किया तो बेहतर टेस्ट हमको देखने को मिला। और सरदार जी का भाई दूध तो ठीक ठाक है, और इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। और कमेंट बताइए कि कैसा लगा आपको।